शो में वक्त हो गया है मैनेजमेंट से जुड़ने का. कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज दो कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत होने वाली है. सबसे पहले सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से बात होगी और उसके बाद कैप्री ग्लोबल कैपिटल के मैनेजमेंट से बातचीत होगी. और इंजीनियरिंग और डिज़ाइन से जुड़ी कंपनी सिरमा SGS 40 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है. चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के MD जसबीर सिंह गुजराल जुड़ गए हैं. लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर. गए हैं. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में. और चलिए यहाँ पर कुछ नतीजों पर हम पहले बातचीत कर लेते हैं. एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो गाइडेड मार्जिन्स जो दिए गए थे लगभग 7 से 7.5% के आसपास उसके थोड़ा सा नीचे आए हैं. एबिटा मार्जिन्स में जो कमज़ोरी दिखाई दे रही है सर उसके पीछे आप क्या वजह कहेंगे और आने वाली तिमाहियों के लिए इन मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी आप कहाँ जाती हुई देख रहे हैं, किस ओर जाती हुई देख रहे हैं? हमने जो एबिटा मार्जिन की गाइडेंस दी थी वो 7% की दी थी. जो लास्ट क्वार्टर है Q4 में वो 7.2% है, बट एनुअल बेसिस के ऊपर वो 6.8% है. ये जो एबिटा मार्जिन का थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 6.8% ऑन एनुअल बेसिस, वो कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स करके चेंज हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर हमारा ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इस करके ये थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर प्रेशर आया है. एक्सपोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स हमारा पिछले साल 26% बढ़ा है और हम 800 करोड़ की एक्सपोर्ट की है हमने पिछले साल. और मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट EMS कंपनीज में ये फिगर बहुत कम कंपनीज अचीव कर पा रही होगी, 800 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट इंडिपेंडेंट कंपनीज. आने वाले तिमाहियों में या आने वाले साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ग्रोथ जो पिछले 3 साल वो क्यूमुलेटिव 55% CAGR से बढ़ी है, आने वाले साल में भी 40-45% की ग्रोथ हमें दिखाई देती है, हम अचीव करेंगे. एबिट्टा के ऊपर हम 7% एबिट्टा ऑन ए पूरे साल के बेसिस के ऊपर अचीव करेंगे. जहां हमने पिछले 3 सालों में ग्रोथ 55% दिखाई है, वहां एबिट्टा हमारा CAGR 3 सालों में 29% ग्रो हुआ है, एक्सपोर्ट भी 20% ग्रो. सो मेरा मानना है कि आने वाले साल में हम 7% एबिट्टा और 40-45% ग्रोथ और इंक्लूडिंग अच्छी हेल्दी ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे. सर सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. यहाँ पर कंज्यूमर और हेल्थ केयर मेन रेवेन्यू ड्राइवर्स रहे हैं और ड्राइविंग डिमांड इन दोनों क्षेत्रों में आपको अब कैसी कहाँ किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? आउटलुक बाकी सेगमेंट्स को लेकर भी आने वाली कुछ तिमाहियों में आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए हमारा जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है पिछले साल 61% ग्रो हुआ है, कंज्यूमर 90% ग्रो हुआ है, हेल्थ केयर 55% ग्रो हुआ है और इंडस्ट्रियल 30% ग्रो हुआ है. आने वाले साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ग्रोथ इन्हीं बेसिस के ऊपर रहेगा कि ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर ये हमारे 4 मेजर सेगमेंट्स होंगे
जिसमें कंज्यूमर अप्रोक्सीमेटली 37 से 40% होगा, ऑटोमोटिव 21-22% होगा, इंडस्ट्रियल बढ़ के 26% हो जाएगा, हेल्थ केयर 8 से 9% तक रहेगा। अगर हम यहाँ पर केवल रेलवे सेगमेंट की बात करें तो एनालिस्टों का एक्चुअली ये मानना है कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी सबड्यूड रही है, थोड़ी सी खामोश रही है. किस तरह से चीज़ें अब यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही है? कवच से जुड़े हुए जितने भी ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से की ड्राइवर्स रेलवे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपटिक रेलवेज़ को लेकर यहाँ पर कब तक दिखाई देगा? कोई योजना पाइपलाइन में जिसकी जानकारी आप हमें दे सकें सर? रेलवेज में हमें आरडीएसओ अप्रूवल जनवरी में मिला था, दिसंबर जनवरी में मिला था, दिसंबर 23 जनवरी 24 में, और उसके बाद पिछले क्वार्टर में हमने पहला भी एक ऑर्डर का प्रोटो सैम्पलिंग करके हमने अबाउट 3.5 करोड़ का रेवेन्यू रेलवे से हासिल किया था। इस साल हमारे हिसाब से रेलवेज का हमारा कंपोजिशन 40 से 50 करोड़ रहेगा, क्योंकि रेलवेज में जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, जो हमारे पास अभी ऑर्डर है उसका प्रिक्योर करके बना के हम 40 से 50 करोड़ तक की रेलवे की सेल कर पाएंगे इस साल में। आगे वाले आने वाले सालों में उम्मीद है कि ये 40-50 करोड़ आगे अच्छी बढ़ोतरी देगा, बट इस साल ये 50 करोड़ के आसपास ही रहेगा। सर, यहाँ पर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें, FY24 में लगभग 95 दिनों की थी गाइडेंस, अगर हम देखें तो लगभग 70 दिनों के आसपास का दिया गया था. इस नंबर में जो इजाफा हुआ है इसके पीछे क्या वजह? एक तो मुझे 95 की फिगर ठीक नहीं लगती। नेट वर्किंग कैपिटल अगर हम ईयर एंड के ऊपर देखें तो 82 दिन का है, जो साल के शुरू में 89 डेज का था, तो उसमें 7 दिन की हमने इम्प्रूवमेंट की है, ज्यादा होनी चाहिए थी पर 7 दिन की इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल को एवरेज के ऊपर देखें, ओपनिंग और क्लोजिंग को मिला के, जैसे कि इंडस्ट्री में ट्रेंड है टू शो एवरेज, वो हमारा 70 दिन में अबाउट फ्लैटिश रहा। अब हमारा नेट वर्किंग कैपिटल अबाउट 700 करोड़ के करीब का है, और पिछले क्वार्टर में Q4 में हमने 1100 से ऊपर करोड़ का रेवेन्यू किया है, और इस आने वाले क्वार्टर में भी हमारा एस्टिमेट है कि कंपोजिशन में कुछ अंतर हो सकता है, बट हम ये रन रेट जो हमने Q4 में अचीव किया था वो हम मेंटेन करेंगे। तो अगर Q4 के रन रेट के ऊपर देखते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल 60 दिन से नीचे है, 92 डेज की फिगर मुझे नहीं समझ, 82 डेज है ऑन एवरेज ईयर एंड स्टॉक, एवरेज ऑफ द पूरे साल की सेल। अगर हम स्टॉक को एवरेज करें ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ तब 72 दिन है, और अगर हम Q4 के रन रेट के ऊपर करें, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री वगैरह जो बनाई जाती है वो आने वाले महीनों के लिए आउटपुट के लिए बनाई जाती है, उसमें वो 60 दिन है। इसमें हम इस साल जो हम 70 दिन कह रहे हैं उससे हम 60 दिन का टारगेट कर रहे हैं, और हमें कॉन्फिडेंस है कि वो अचीव होगा। ये चलिए, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसके ऊपर मैनेजमेंट बिल्कुल फोकस्ड है। चलिए, ग्रोथ आने वाली तिमाही में कैसी रहेगी इस पर बात करते हैं. कंपनी जो है क्लियरली हाई ग्रोथ की तस्वीर पेश कर रही है, और लोअर मार्जिन्स हालांकि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रोथ प्लान को लेकर अगले 2 साल अगर मैं समझूँ तो क्या आप सेम ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर निर्भर रहेंगे, इसी को फॉलो करेंगे? इंटरनल कंपनी के टारगेट्स ग्रोथ के लिहाज से FY25 FY26 को लेकर क्या हैं? देखिए, जैसे मैंने शेयर किया कि पिछले 3 सालों में हमने 55% CAGR ग्रोथ की है, और कंजर्वेटिव बेसिस हम एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले 2 सालों में 3 सालों में हम 40-45% पे ग्रो करेंगे। ये एनुअल ग्रोथ टारगेट्स हैं, क्वार्टरली वोलेटिलिटी इसमें रहेगी, कंपोजिशन ऑफ सेल भी वेरी कर सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट एनुअल ग्रोथ में 40-45% ग्रोथ टारगेट रहेंगे, और ऑपरेटिंग अबिट्टा 7%। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए थैंक यू, और शुक्रिया। नतीजों पर राय रखी. धन्यवाद आपका.